हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं हूँ जावा एंड यजडी के शोरूम में। आज जिस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यजडी रोडस्टर। आपके सामने दिख रही होगी, आपको चार कलर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने 2023 की जो यजडी रोडस्टर है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब वो क्या क्या चेंज किए गए हैं, क्या ये चलने में पहले से बेहतर होगी, वो सब हम ये वीडियो के अंदर जानेंगे। इसका टेस्ट राइड का वीडियो कल आ जाएगा, अभी ये सिर्फ वॉकराउंड होगा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या नए आपको बदलाव और चेंज इसमें मिलते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यजडी रोडस्टर में आपको 7 कलर मिलते हैं। उनमें मेरे हिसाब से 3 या 4 कलर तो सिंगल आपको टोन में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाइट है, ये यहाँ पे डार्क ग्रे कलर है, एंड 3 कलर जो है वो आपको ड्यूल टोन में मिलेंगे। जो प्राइस है ना वो कलर पे डिपेंड करेगी। सो स्टार्टिंग प्राइस है 2,09,000 रुपीज़ से लेकर 2,15,000 रुपीज़। ये आपको मैं एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ हैदराबाद की। अगर आपको ये बाइक को खरीदना है तो आपको पे करना पड़ेगा ऑन रोड 2,59,000 से लेकर 2,67,000। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर खरीदते हो। कलर है ये है ब्लू। चार ही कलर ऑप्शन अभी शोरूम में अवेलेबल है। बाकी अगर आपको जो कलर अवेलेबल नहीं है, अगर उनमें से कोई कलर चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से अब इनके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है। बाहर भी देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ हैं तो बनी है। अगर आपको स्पॉट डिलीवरी लेनी है तो भी आपको शायद यहाँ से मिल जाएगा। शोरूम की डिटेल आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अब ये जो यजडी रोडस्टर है ये आती है OBD2 कंप्लाइंट इंजन के साथ, मतलब जो BS6 Phase 2 इंजन है उसके साथ ये कंप्लाइंट हो चुकी है। ये सब कंप्लाइंट होने के लिए ये गाड़ी के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़े हैं। स्पेशली अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ तो अब ये जो इंजन है इसमें फ्यूल की रीमैपिंग की गई है जिससे कि ये BS6 Phase 2 कंप्लाइंट हो जाए। फ्यूल की रीमैपिंग इसलिए भी की गई है बिकॉज थोड़ा सा कंसर्न इसमें था कि लो एंड में टॉर्क थोड़ा कम था गाड़ी का, आपको थोड़ा सा मिड आरपीएम तक इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको इसकी ज़्यादा पावर चाहिए, आपको एक प्रॉपर पावर चाहिए तो आपको मिड रेंज में इसको लेके जाना पड़ता था, बट अब वो यहाँ पे मतलब रिजोल्व कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको फ्यूल की रीमैपिंग मिलती है। इसके अलावा आपको अब थ्रॉटल जो बॉडी है जो आपको अभी दिखेगी नहीं बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ द इंजन, इसमें आपको बड़ी थ्रॉटल बॉडी मिलती है। एग्जॉस्ट के जो पोर्ट है वो भी थोड़ा सा बड़े कर दिए गए हैं, मतलब एग्जॉस्ट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी साउंड में भी थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अब ये फ्यूल की रीमैपिंग है, लार्जर थ्रॉटल बॉडी है, ये सब चेंजेस करने के बाद में ये जो बाइक है इसका जो NVH लेवल्स है, जैसे कि नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, इंजन की जो हार्शनेस है वो मेरे हिसाब से बहुत ही कम हो जाएगी। इंजन थोड़ा सा आपको पहले रफ फील कराता था, स्पेशली जब आप हायर RPM में खींचते हैं, तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिजॉल्व कर दी गई है। इसके अलावा पुराना जो BS6 मॉडल था उसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको हेड, जो इंजन का हेड है उसके राइट हैंड साइड में एक प्लेट मिलती है। ये मेरे हिसाब से इसलिए दी गई है बिकॉज जब आप गाड़ी में बैठते हो एंड आप जो टैंक है उसको ग्रिप करते हो वो टाइम पे आपको यहाँ पे गर्मी ना लगे, उसकी वजह से यहाँ पे दी गई है। आपको ये गाड़ी के अंदर स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी मिलेगा जिससे कि आपकी जो गियर शिफ्ट करने का जो एफर्ट्स थे वो थोड़े कम हो जाएंगे, और आप अगर एग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करते हो वो टाइम पे पीछे का जो टायर है वो लॉक नहीं होगा। एक और दिक्कत पहले रिपोर्ट की गई थी कि इसका जो क्लच है वो थोड़ा सा हेवी साइड में था, तो वो अभी मुझे मेरे हिसाब से जो कंपनी ने बताया है कि इन्होंने कुछ चेंजेस इसके अंदर किए हैं, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच दिया है, वो आपको मैं कल बताऊँगा जब हम इसका टेस्ट राइड करेंगे कि एक्चुअल में कुछ फ़र्क पड़ा है या फिर वही सेम है दिक्कत जो आपको पहले थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता था क्लच को प्रेस करने में। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर की गई है कि यजडी, चाहे आप स्क्रैम्बलर ले लो, यहाँ पे स्क्रैम्बलर है, चाहे आप इनकी जो एडवेंचर है वो देख लो, चाहे आप इनकी रोडस्टर, इनमें एक कंसर्न क्या था कि इनिशियल जो टॉर्क है ना वो थोड़ा सा कम था। सो अब वो चीज़ रिजोल्व करने के लिए कंपनी ने इसका जो चेन स्प्रोकेट है वो 47 टीथ के साथ अब दिया है, मतलब चेन स्प्रोकेट थोड़ा सा बड़ा कर दिया जिससे कि आपको लो एंड टॉर्क अच्छा मिलेगा। मेरे हिसाब से पहले जो चेन स्प्रोकेट आता था वो 45 टीथ के साथ आता था, अब वाला 47 टीथ के साथ आएगा जिससे कि आपका जो लो एंड है परफॉर्मेंस गाड़ी का वो ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। बाकी कल तो हम इसको राइड करने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा, हम भी इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि सच में कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर वही पहले वाला राइडिंग बिहेवियर है जो आपको BS6 में देखने को मिलता था। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं ये गाड़ी के अंदर। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड कल इसका राइड का वीडियो आ जाएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल का जो राइड वीडियो आने वाला है उसको भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।